कांग्रेस ने आरडीए में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत ईडब्ल्यू से की है। कांग्रेस की प्रवक्ता किरणमयी नायक ने भाजपा प्रवक्ता और आरडीए के पूर्व अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव सहित आरडीए के तात्कालिक कार्यवाही मंडल के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें 86 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। 7 लोगों को नियम के विरुद्ध जमीन देने का आरोप है, जिसके दस्तावेजों को भी ईडब्ल्यू को ये दस्तावेज सौंपे गए हैं। बता रहे हैं संजय श्रीवास्तव भाजपा के मेयर पद के दावेदार हैं। अधिकारी, संपूर्ण संचालक मंडल और संबंधित अधिकारीगण, इनके खिलाफ यहाँ पर आज आर्थिक अपराध में हमने शिकायत की है। मैं दस्तावेजों के और उसके साथ यदि उनका रेवेन्यू पार्ट देखा जाए तो कुल मिलाकर के लगभग 86 करोड़ का घोटाला किया है और 7 लोगों को अवैध तरीके से जमीन दिए जबकि उनकी पात्रता। तो कांग्रेस ने आरडीए के भ्रष्टाचार की शिकायत की है। 86 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से हेमंत शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या कुछ है पूरी खबर? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता किरण मनायक और जो प्रवक्ता है आरपी सिंह, वो ईओडब्ल्यू शिकायत लेकर पहुंचे थे। पूरा दस्तावेज उनके पास था और उन्होंने जो पूर्व अध्यक्ष है आरडीए के और जो संचालक तत्कालीन संचालक मंडल है उनके खिलाफ एक शिकायत वहां पर सौंपी गई है और साफ तौर पर उसमें कहा गया है कि 86 करोड़ का जो घोटाला है वो यहां पर किया गया। 7 लोगों को अवैध तरीके से, जो पात्रता नहीं रखते उनको यहां पर गलत तरीके से जमीन दी गई और रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट होता है उसमें भी कई तरीके से जो खामियां हैं वो निकल कर सामने आई है। तो अभी इस पूरे मामले में तो अभी जांच होगी। ईओडब्ल्यू के जो एडीजी हैं डीपी सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दस्तावेज सौंपा गया है। इसके अलावा हाईकोर्ट के कुछ आदेश हैं उसकी भी कॉपी दी गई है। तो सभी को पहले देखा जाएगा, जांच की जाएगी, उसके बाद इसमें कार्रवाई होगी। इसके अलावा इसके लिए एक टीम बनाई जाएगी। तो पूरा जो मामला है वो भ्रष्टाचार का है और संजय श्रीवास्तव की बात की जाए तो अभी वो पार्षद काली माता वार्ड से लड़ रहे हैं। इसके अलावा पूर्व अध्यक्ष आरडीए के रहे हैं और मेयर पद के सबसे प्रबल दावेदार उन्हीं को माना जा रहा है। तो ऐसे में चुनाव वो लड़ रहे हैं और ऐसे में भ्रष्टाचार का मामला कहीं ना कहीं अब वो घिरते नजर भी आ सकते हैं। अब इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।